आज हम आरबीएसई क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ेंगे। यह चैप्टर एवलिन ग्लेनी के बारे में है, जो कि 11 वर्ष की आयु तक पूर्ण रूप से बहरी हो गई थी और किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए म्यूजिक के क्षेत्र में एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये तस्वीर एवलिन ग्लेनी की है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर, इस अध्याय के जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं, वो इस प्रकार हैं। एवलिन ग्लेनी, शी इज यंग गर्ल फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म। एवलिन ग्लेनी इस चैप्टर की मुख्य किरदार है जिसके बारे में हम चैप्टर पढ़ेंगे। वह स्कॉटलैंड के ग्रामीण क्षेत्र की एक युवा लड़की है। शी हैज हियरिंग डिसएबिलिटी, और वह सुन नहीं सकती है। इजाबेल ग्लेनी, शी इज द मदर ऑफ एवलिन ग्लेनी, यह एवलिन की माँ है। जेम्स बेलेड्स, ही इज अ मास्टर परगजनिस्ट, वह तालवादक के मास्टर है। एन रिचलिन, सी इज एसोसिएटेड विद द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। एन रिचलिन, यह बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन संस्था से जुड़ी हुई एक महिला है। Rush our crowds, Joshal for position on the underground platform. Underground में एक platform बना हुआ था, यानी भूमिगत एक platform बना हुआ था। वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी और समय क्या था, बहुत ही व्यस्त समय था। That means उस समय पर platform में पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उस समय वहाँ पर भीड़ आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? सब आगे आने के लिए। A slight girl, एक छोटी लड़की, looking younger than her 17 years, जो अपनी 17 साल की उम्र से क्या लग रही थी, younger लग रही थी, छोटी लग रही थी। That means वो दिखाई देने में लड़की कैसी थी, छोटी थी। Was nervous, वो क्या थी, nervous थी, थोड़ी घबराई हुई थी। Yet excited, फिर भी वो क्या थी, excited कब हुई? As she felt the vibration of the approaching train, जब उसने आती हुई ट्रेन का जो वाइब्रेशन है, कंपन है, स्पंदन है, जब उसने महसूस किया, तो वो क्या हो गई, एक्साइटेड हो गई, उत्साहित हो गई, उत्तेजित हो गई। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका वह पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और स्कॉटलैंड के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले किसी भी टीनेजर, दैट मीन्स किशोरी के लिए यह बहुत पर्याप्त डराने वाला भी था, यानी कि थोड़ा घबराहट कराने वाला भी था। बट This aspiring musician faced a bigger challenge than most. लेकिन इस बहुत ही महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ थी, उसने एक बहुत ही बड़े चुनौती का सामना किया था अन्य लोगों के मुकाबले। She was profoundly deaf. अब कैसे कह सकते हैं उसने चुनौती का सामना किया था, क्योंकि वह पूर्ण रूप से क्या थी, deaf थी, बहरी थी, वह सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लेनी लॉस हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी ने अपनी सुनने की जो शक्ति है, यानी श्रवण शक्ति है, उसको धीरे धीरे खो दिया था। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है। नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano.
जब एवलिन 8 साल की थी और पियानो बजाने का अपना इंतजार कर रही थी, तब उन्होंने यह नोटिस किया, पता लगाया कि कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है, गलत है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक ये समझ लिया था, महसूस कर लिया था, शी हैड नॉट हर्ड, कि उसने सुना नहीं था, सेज एजाबेल ग्लेनी। एजाबेल ग्लेनी, दैट मीन्स एवलिन ग्लेनी की माँ कहती है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। थोड़े से समय के लिए एवलिन अपने जो बढ़ता हुआ, उसका ग्रोइंग डेफनेस थी, बढ़ता हुआ जो बहरापन था, उसको अपने मित्रों और अपने टीचर्स से कंसील करने में, छिपाने में वो क्या हो गई, सफल हो गई। बट द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वह 11 साल की थी, हर मार्क्स हैड डिटेरियरेटेड, जब उसके जो नंबर है वो क्या हो गए, कम हो गए। हर हेड मिस्ट्रेस्ड अर्ज हर पेरेंट्स, उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी, उन्होंने उसके माता पिता से आग्रह किया, किस चीज़ के लिए, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास, विशेषज्ञ के पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब यह पता लगा, दैट हर हियरिंग वॉज सीवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। धीरे धीरे स्नायु तंत्रिकाओं के खराब होने से उसके जो सुनने की शक्ति है वो गंभीर रूप से क्या हो गई है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो सुनने की शक्ति उसकी खराब हो गई थी। देवर एडवाइज्ड, उन्होंने यह सलाह दी, दैट कि शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, उसे एक जो सुनने वाली मशीन होती है जो कान में लगाई जाती है, डॉक्टर्स ने उन्हें ये सलाह दी कि उसके कान में एक मशीन लगा दी जाए, एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसे बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन कहती है सब कुछ अचानक उसके लिए काला हो गया, निराशाजनक हो गया। यहाँ पे काला रंग ना होकर निराशा का प्रतीक है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन सब कुछ छोड़ने वाली नहीं थी, हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप का अर्थ होता है हार मानना। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह अपना जीवन सामान्य रूप से जीने और अपनी जो उसकी इंटरेस्ट था म्यूजिक में, जो उसकी रुचि थी, उसको जारी रखने के लिए वो क्या थी, दृढ़ निश्चय थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने यह नोटिस किया कि एक लड़की जाइलोफोन, जो कि वाद्य यंत्र है, उसको बजा रही थी, एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट, और उसने यह निर्णय किया कि वह भी उसको बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, अधिकतर टीचर्स ने, अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया, निरुत्साहित किया। बट पर्कसनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो ताल वाद्य वादक थे, उनका नाम क्या था, रॉन फॉब्स, उन्होंने उसकी इस पोटेंशियल का, क्षमता का पता लगा लिया। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम को, ढोलों को अलग अलग तरह से बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वह कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कुछ दूसरे तरीके से इसको महसूस करने की कोशिश करो, सेज एवलिन। एवलिन कहती है सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप,
कि मैं जो बड़ा ड्रम था उसको अपने शरीर के ऊपर वाले हिस्से से महसूस कर सकती थी एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा वाला ड्रम था उसको मेरी कमर के नीचे वाले हिस्से से महसूस कर सकती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने इस जो एक्सरसाइज थी अभ्यास था उसको दोबारा दोहराया एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और जल्द ही एवलिन को यह पता लगा कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो विभिन्न प्रकार के जो ध्वनि तरंगे हैं उनको अपने अलग अलग शरीर के भागों के द्वारा महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, मैंने अपने दिमाग और शरीर को संगीत और वाइब्रेशंस कंपन्स को सीखने के लिए खोल दिया। दैट मीन्स उसने अपने शरीर और दिमाग को यह सब कुछ सीखने के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर लिया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, जो शेष था वो केवल दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम ही था। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उसके बाद उसने मुड़ के पीछे कभी नहीं देखा। किसने? एवलिन ग्लेन ने। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने युवा वादक दल के साथ यूनाइटेड किंगडम का भ्रमण किया। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वह 16 वर्ष की थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने म्यूजिक को ही अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक के लिए ध्वनि परीक्षण दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, और अकादमी के इतिहास में सर्वोच्च अंक पाने वालों में से एक का उसने स्थान प्राप्त किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, वह धीरे धीरे वादक दल से एकल प्रस्तुतियों की तरफ वह मुड़ गई। एट द एंड ऑफ हर थ्री इयर्स कोर्स, 3 साल के उसके कोर्स के अंत तक, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने लगभग सर्वोच्च इनाम थे वो प्राप्त कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इतना सब होने के बाद भी एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, एवलिन यह नहीं मानती है कि उसने कोई भी वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो Where are you going? और ये जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, you will get there, आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। इसमें एवलिन यह कहना चाह रही है कि यदि आप कठिन परिश्रम कर रहे हो और आप अपने सही रास्ते पर हो और आपने अपना जो लक्ष्य है निर्धारित कर लिया है, तो आप अवश्य ही अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। And she got right to the top, और वह शिखर तक पहुँच गई। The world's most shout after multi percussionist, और विश्व की सबसे ज्यादा shout after थे आमंत्रित की जाने वाली अनेक वाद्य यंत्रों को बजाने वाली बन गई, with a mastery of some 1000 instrument, और वह लगभग 1000 वाद्य यंत्रों को बजाने में उसको महारत थी, यानी वो 1000 लगभग वाद्य यंत्र बजा सकती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, जिसका कि बहुत ही व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था, यानी कि एवलिन कई विदेशों में भ्रमण करती रहती थी, अपनी प्रस्तुतियां देने वो जाती रहती थी, और इस तरह उसका जो कार्यक्रम था वो व्यस्त ही रहता था, हमेशा उसको कहीं ना कहीं अपनी प्रस्तुति देने जानते रहना ही होता था। तेरा काम करते। It is intriguing
to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. बिना सुने अपना कार्य बहुत ही सहजता से बिना प्रयास किए करना, एवलिन को करते देखना बहुत ही रोमांचकारी है. कौन सा कार्य है एवलिन का? म्यूजिक बजाने का. इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया. मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. घनी दाढ़ी वाले लोग मुझे थोड़ा परेशान करते हैं, वह हंसी. इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, एवलिन कहती है कि यह सिर्फ होठों को देखना ही नहीं है, इट इज द होल फेस स्पेशली द आईज, पूरे चेहरे को देखना होता है, विशेष रूप से आंखें. इस लाइन से हमें यह पता चलता है कि एवलिन सामने वाले व्यक्ति की लिप्स रीडिंग करती थी और वह यह पता लगाती थी कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है. सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, वह स्कॉटिश लहजे से बहुत ही बिना त्रुटि के फ्लोलेसली धारा प्रवाह बोलती थी. माई स्पीच इज क्लियर, मेरी वाणी क्लियर है, मेरी भाषा क्लियर है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं जब तक 11 साल की थी मैं सुन सकती थी. शी सेज, वह कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, इससे यह नहीं पता चलता कि उसने किस प्रकार फ्रेंच और जो जापानी भाषा होती है मूल रूप से उसको बोलने में कैसे मास्टरी हासिल की. दैट मीन्स एवलिन फ्रेंच भी बोल सकती थी बहुत ही अच्छे ढंग से और जापानी भाषा भी वह बोल सकती थी. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक म्यूजिक की बात है वह स्पष्ट करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर में मेरे प्रत्येक अंग के द्वारा अंदर प्रवेश करता है, यानी वह अपने शरीर से म्यूजिक को महसूस करती है. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, यह मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी स्पंदन या फिर कंपन पैदा करता है. When she plays the xylophone, जब वह xylophone बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो वो जो छड़ी होती है, उससे उसकी जो अंगुलियों के आगे के हिस्से होते हैं, वहाँ से उस म्यूजिक को महसूस करती है. By leaning against the drums, drums के ऊपर झुककर या फिर उनका सहारा लेकर, she can feel the resonance flowing into her body. वह उन ड्रम की जो गूंज होती है उसको अपने शरीर में प्रवाहित होती महसूस करती है. मतलब वो जब भी ड्रम उसे बजाना होता है तो वो ड्रम को स्पर्श करती है और ताकि वह उसकी गूंज को महसूस कर सके. On a wooden platform, लकड़ी के मंच पर या फर्श पर, she removes her shoes, वह अपने जूते उतार देती है, so that ताकि the vibration pass through her bare feet and up her legs, ताकि जो कंपन है, म्यूजिक का कंपन है, उसके नंगे पैरों से होते हुए उसके पूरे उसके पैरों में भी आ जाए और वह उसको वहां से भी वह महसूस कर सके. Not surprisingly, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, एवलिन delights her audience. एवलिन अपने दर्शकों को प्रसन्न रखती है. इन 1921 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी द्वारा सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित पुरस्कार एवलिन को प्रदान किया गया. सेज मास्टर परकजनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, वादक
जेम्स ब्लेड्स ये कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, हो सकता है भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली हो, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, उन्हें बदले में भगवान ने उसे कुछ असाधारण भी दिया है। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वह महसूस करती है, कौन? एवलिन। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे कहीं ज्यादा गहराई से। दैट इज वाई, यही कारण है, शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, कि वो संगीत को बहुत ही सुंदरता से व्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, एवलिन यह स्वीकार करती है कि वह वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक कहते हैं जिसको कार्य करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, वो बिना कोई कार्य करिए रह नहीं सकता। तो एवलिन कहती है कि वह क्या है, वर्कहोलिक है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे सिर्फ कार्य करना होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, प्रायः शास्त्रीय संगीत से भी कठिन। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो पुरस्कार होते हैं वो विशाल हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, नियमित संगीत कार्यक्रमों के अलावा, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जेलों और अस्पतालों में मुफ्त के संगीत कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति देती है। She also gives high priority to classes for young musicians. वह जो युवा संगीतज्ञ हैं, उनको कक्षाएं देने यानी उनको सिखाने को भी प्रमुख प्राथमिकता देती है। And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, Beethoven Fund for Deaf Children की एन रिचलिन कहती है, She is shining inspiration for deaf children, कि वह बहरे बच्चों के लिए एक उज्जवल प्रेरणा है। यहाँ पे shining का अर्थ चमकनाना निकलकर उज्जवल निकल रहा है। They see that there is nowhere that they cannot go. वे समझ सकते हैं, वो जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि वो एवलिन को देखकर ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वे पहुंच नहीं सकते हैं। एवलिन ग्लेन हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ने अपनी आयु से दुगने लोगों से ज्यादा उपलब्धि पहले ही प्राप्त कर ली है। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वह ऑर्केस्ट्रा में ताल वादन को आगे लेकर आई है। एंड डेमोंस्ट्रेटेड दैट, और यह प्रदर्शन किया है कि इट कैन बी वेरी मूविंग, यह बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वह उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है जो कि दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है। पीपल हु लुक्ड टू हर एंड से, लोग जो उसे देखते हैं और कहते हैं, इफ शी कैन डू, यदि यह कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूं। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, विशेष रूप से उसने लाखों लोगों को बहुत ज्यादा प्लेजर प्रदान किया है, आनंद प्रदान किया है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। एवलिन ग्लेनी सभी के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी इंसान रही है, और हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की प्रेरणा को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।